की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में, आशा वर्करों को पक्का करो, आशा वर्करों को पक्का करो। किस लिए प्रदर्शन किया जा रहा है आज? आशा वर्कर की जो हमारी मांगे हैं वो पूरी नहीं हो रही है, इसीलिए हम सब इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पे। क्या मांगे आपकी? हमारी पहली तो मांग ये है कि जो 2018 में हमारा न्यूनतम वेतन जारी किया गया था, उसके बाद आज तक इतनी महंगाई बढ़ने के बाद भी उसमें बढ़ोतरी नहीं की गई है, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा 26,000 वेतन फिक्स किया जाए और हमें कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। इसके साथ साथ जो हमारा न्यूनतम वेतन है और ये मान्यता है, उसमें हमारा महंगाई भत्ता से जोड़ा जाए, उसको जो हमारी 8 एक्टिविटी का 50% काटा गया है वो हमारा जारी किया जाए, हमारी ड्रेस के 2,000 रुपये फिक्स किया जाए, जो आशा फैसिलिटेटर है आशा के ऊपर बनाई गई है उसका भी मानदेय बढ़ावा दिया जाए। कब तक रहेगा प्रदर्शन जारी? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। काम चालू रहेगा, काम बंद रहेगा? काम बंद करने की नौबत आई तो हम काम भी बंद करेंगे। क्या कहेंगे जी आप प्रदर्शन? हम यही कह रहे हैं जी, सरकार ने हमें ध्यान देना चाहिए आशा वर्करों पर। कितने दिन हो गए हमने बार बार ये प्रदर्शन करते हुए, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। जो ऑनलाइन का काम है वो इतना ज्यादा दे रही है कि आशा वर्कर कुछ ऐसी भी हैं 10वीं पास हैं, उनको ऑनलाइन का काम आता नहीं, लेकिन सभी तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। तो सरकार ने ध्यान देना चाहिए, न्यूनतम वेतन हमारा 26,000 लागू करना चाहिए। अगर नहीं करती है सरकार, हम बार बार प्रदर्शन करें, हम पीछे हटने वाले नहीं। क्या नाम आपका? सुमन जी जुलाना। कितनी महिलाएं भाग ले रही आज इस प्रदर्शन में? आज पूरे हरियाणा में प्रदर्शन है जी, यहाँ अर्जुना जिले में भी। अच्छी वाई जी, यहाँ भी देखो जी आपके सामने है, जितनी भी आशा वर्कर है आपके सामने आई हुई है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगला सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आशाओं की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं डरेंगे कुर्सी से, खींच लेंगे कुर्सी से, नहीं डरेंगे कुर्सी से, खींच लेंगे कुर्सी से। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमें पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। ये जो आज का कार्यक्रम है पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर है, पीएससी सेंटरों पर जो आशा वर्करों की मांग है उनको लेकर जो एसएमओ है मुख्यमंत्री के नाम उनका ज्ञापन देंगे जी। एसएमओ को सौंपा जाएगा, एसएमओ को सौंपा जाएगा। उसमें जो मुख्य मांग है 2018 के बाद में जी, इनका कोई मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई जी। और दूसरा इसमें जो रिटायरमेंट का है, रिटायरमेंट की अवधि इनकी उम्र 65 साल तक होनी चाहिए जी। और इसमें जैसे 1 साल के अंदर वृद्धि का प्रावधान है, 2,000 रुपये वृद्धि का देना चाहिए जी। कहीं मीटिंग में जाती हैं या कहीं मरीज के साथ जाती हैं उनको किराया भत्ता देना चाहिए जी, जी। तो ऐसी ऐसी जो इनके स्थानीय सारे मुद्दे हैं उनको लेकर आज मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन एसएमओ साहब के पास है। सांकेतिक नहीं, नहीं, इसके बाद जो आगे जो यूनियन की कार्रवाई होगी, कोई बड़े आंदोलन की जो कार्रवाई होगी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। क्या नाम आपका? सुभाष पान सर। मेरा तो उसका वो भी सही आ रहा था ना। ज्ञापन सौंपा आज आशा वर्कर। आज 12/6/2023 को आज आशा वर्कर के पदाधिकारी हैं और आशा वर्कर इन्होंने एक विज्ञापन दिया है जिसमें 10 जो है वो डिमांड के बारे में लिखा गया है, और जितनी भी डिमांड है इसमें ज़्यादातर डिमांड में मानदेय की बढ़ोतरी है के बारे में कहा गया है, और साथ में जो आयु है जिसमें ये आशा वर्कर काम करेंगे उसके 65 साल करने के दिए गए हैं, तो इनको इसके आधार के ऊपर हम जो है सिविल सर्जन महोदय को भेज देंगे और वहाँ से जो है ना जो भी है उच्च अधिकारी जो भी फैसला लेंगे उनसे जो है ना जो भी मार्गदर्शन होगा उनसे इनको अवगत करवा दिया जाएगा। ठीक है।